एडमिरल बिपिन रावत, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह, वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया, वीर परिवहन सेवारत अधिकारीगण, जेसीओज एनसीओज और बहादुर जवान, भूतपूर्व सैनिकों, विदेशी दूतावास के प्रतिनिधि, सिविलियन कर्मचारी, उपस्थित अतिगण और मीडिया जगत के दोस्तों, जय हिंद। सेना दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के सभी रैंक्स, भूतपूर्व सैनिकों, वीर नारियों, परिवारों, विदेशी दूतावास के प्रतिनिधियों, उपस्थित अतिथिगण और मीडिया जगत के साथियों को तहे दिल से मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि माननीय राष्ट्रपति एवं माननीय उपराष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री तथा माननीय रक्षा मंत्री ने भी इस शुभ अवसर पर अपने शुभकामनाएं और बधाई के संदेश भेजे हैं। सबसे पहले मैं शानदार परेड में हिस्सा लेने वाले सभी ऑफिसर्स, जेसीओज और जवानों को एक प्रभावशाली परेड के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। पुरस्कार विजेताओं को और यूनिट साइटेशन प्राप्त करने वाले यूनिट्स को भी बहुत मुबारकबाद, शाबाश। राष्ट्र को और सेना को आपकी उपलब्धियों पर अत्यंत गर्व है। आज हम उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने देश के रक्षा में वीरगति प्राप्त की है। उनकी शहादत समस्त देश और भारतीय सेना के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं उनके परिवारों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़े रहेंगे। आज के शुभ अवसर पर मैं भारतीय सेना द्वारा विकसित एक इंडियन आर्मी मोबाइल ऐप को देश के नाम करता हूं। ये ऐप देश के नागरिकों को, खासकर युवा पीढ़ी को, भारतीय सेना के बारे में विस्तृत जानकारी देगा। पिछला वर्ष सेना के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहा। उत्तरी सीमाओं पर चीन के साथ चल रहे तनाव से आप परिचित हैं। देश के सीमाओं पर एक तरफा बदलाव की साजिश को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि गलवान के वीरों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। भारतीय सेना देश के संप्रभुता और सुरक्षा पर कोई आंच नहीं आने देगी। हम बातचीत और राजनीतिक प्रयासों से विवादों का समाधान के प्रति प्रतिबद्ध हैं, लेकिन कोई भी हमारे धैर्य की परीक्षा करने की गलती ना करें। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए भारत और चीन के बीच सीनियर मिलिट्री कमांडर्स की अब तक 8 वार्ता हो चुकी हैं। म्यूचुअल और इक्वल सिक्योरिटी के सिद्धांत पर मौजूदा स्थिति का हल निकालने के लिए हमारे प्रयास जारी रहेंगे। भारी ठंड और कठिन परिस्थितियों के बावजूद हमारे सैनिकों का मनोबल उन पर्वत शिखरों से भी बहुत ऊंचा है जिसकी वो मुस्तैदी से रक्षा कर रहे हैं। दूसरी तरफ नियंत्रण रेखा पर भी दुश्मन के हर नापाक इरादे का करारा जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देने की अपनी आदत से लाचार है। सीमा पर प्रशासन शिविरों में तकरीबन 300 से 400 आतंकवादी घुसपैठ करने की फिराक में बैठे हैं। पिछले वर्ष सीज फायर वायलेशन में 40% बढ़ोतरी हुई, जो कि पाकिस्तान के नापाक इरादों का सबूत है। सरहद पार से ड्रोन्स और टनल्स के द्वारा भी हथियार स्मगलिंग करने की कोशिश की गई। नियंत्रण रेखा पर हमारे सक्रिय ऑपरेशंस और मजबूत काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड से न केवल को दुश्मन को भारी नुकसान हुआ, बल्कि घुसपैठ के अनेक कोशिशों को नाकाम कर दिया गया। पिछले वर्ष सेना ने नियंत्रण रेखा और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में 200 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया। इन प्रयासों से जेएनके में न केवल हिंसा
कि घटनाओं में काफ़ी गिरावट आई है, बल्कि आह्वान को भी आतंकवाद से राहत मिली है। देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी सुरक्षा स्थिति में सराहनीय सुधार हुआ है। प्रोएक्टिव ऑपरेशंस के वजह से पिछले साल तकरीबन 600 आतंकवादियों ने सरेंडर किया और साथ ही काफ़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। म्यांमार आर्मी के साथ आतंकवादियों संगठनों के खिलाफ ऑपरेशंस में भारी सफलता हासिल की है। अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए सेना की तैनाती में की गई कटौती सुधारते हालातों का सबूत है। सेना और असम राइफल्स राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप से देश की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को आकार दे रही हैं। 21वीं सदी के चुनौतियों का सामना करने और युद्ध क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से सेना आधुनिकीकरण और पुनर्गठन की दिशा में लगातार ठोस कदम उठा रही है। इमरजेंसी और फास्ट स्कीम के जरिए हमने 38 स्कीम के अंतर्गत लगभग 5000 करोड़ के हथियार और सामान की खरीदी की है। इसके अलावा कैपिटल प्रोक्योरमेंट के अंतर्गत इस साल तकरीबन 13000 के कॉन्ट्रैक्ट्स को अंजाम दिया है। सेना के बहुमुखी विकास के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें इन्फेंट्री के लिए LMG, लाइट स्पेशल व्हीकल्स तथा पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर, मैकेनाइज्ड फोर्सेस के लिए ICVs, आर्टिलरी के लिए लॉन्ग रेंज वेक्टर्स, इंजीनियर्स के लिए अत्याधुनिक प्लांट इक्विपमेंट और सिग्नल्स के लिए कम्युनिकेशन इक्विपमेंट शामिल है। उभरती टेक्नोलॉजी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, अनमैन्ड सिस्टम्स, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और स्वार्म ड्रोन्स के क्षेत्रों में भी देश के अग्रणी शिक्षा संस्थानों के साथ जैसे IITs इनके साथ काम जारी है। आधुनिकीकरण के इन प्रयासों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी तेज़ी से सुधार हुआ है, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। सेना के आधुनिकीकरण के ये प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की पहल का एक अभिन्न हिस्सा है। भारतीय सेना मेक इन इंडिया के तहत 32,000 करोड़ के 29 आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट्स की पहचान कर चुकी है। प्राइवेट इंडस्ट्री, MSME और एकेडमिया के साथ मिलकर सेना एक आत्मनिर्भर डिफेंस इकोसिस्टम बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इससे स्वदेशी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा और इंपोर्ट्स पर हमारी निर्भरता कम होगी। मुझे विश्वास है कि इन सब प्रयासों के हम एक आत्मनिर्भर सेना का विकास कर पाएंगे। मित्रों के साथ रक्षा सहयोग राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से सेना का एक बेहद महत्वपूर्ण योगदान है। पिछले वर्ष हमारे प्रशिक्षण संस्थानों में मित्र देशों के 3000 से भी ज़्यादा अधिकारी और जवानों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके अलावा हमारे 10 इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम्स सहयोगी देशों के साथ हमारे संबंधों को और भी मजबूत कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि संयुक्त राष्ट्र पीसकीपिंग के तहत हमारे 5,300 से अधिक सैनिक 8 पीसकीपिंग मिशन्स में दुनिया के बेहद कठिन इलाकों में अपने कर्तव्य निष्ठा से देश का नाम रोशन कर रहे हैं। राष्ट्र निर्माण में सेना का सदा प्रमुख योगदान रहा है। इस साल सबसे महत्वपूर्ण योगदान COVID-19 से निपटने में देश को प्रयासों का अंजाम देना है। सेना ने सबसे पहले देश भर में 12 स्थानों पर क्वारंटीन फैसिलिटीज बनाई और विदेश से इवैक्यूएट होने वाले देशवासियों की देखभाल की। देश भर में 113 मिलिट्री हॉस्पिटल्स में लगभग 12,000 कोविड बेड निर्धारित किए गए। इन हॉस्पिटल्स में न सिर्फ फौजी बल्कि सभी नागरिकों का भी इलाज किया जा रहा है। दिल्ली सरकार को 15 एम्बुलेंस देना और नरेला तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड हॉस्पिटल
और अन्य कैंपों के लिए मेडिकल टीम्स का सपोर्ट सेना का अन्य योगदान रहा है। हमारे सैनिक हमारी ताकत है। भारतीय सेना हमेशा अपने सैनिकों की ज़रूरतों और आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील है। वर्ष 2020 में सैनिकों के कल्याण से संबंधित बहुत से कदम उठाए गए। उत्तरी सीमा पर चल रहे ऑपरेशन स्नो लेपर्ड का नोटिफिकेशन हुआ, जिसे कैजुअल्टी होने पर लिबरलाइज्ड पेंशन, वॉर इंजरी एलिमेंट और हायर एक्सग्रेशा सुनिश्चित किया जा सकेगा। सभी जवानों को 15 कोर के अलग से हवाई जहाज से ट्रैवल करने की अनुमति दी गई है। 10 वर्ष के सेवा पूरी होने से पहले भी इनवैलिड पेंशन का प्रावधान किया गया है। 25 साल से कम आयु के जवानों को भी एचआरए मिलेगा और एमएससी भी दिए जाने पर वेतन वृद्धि के अनुसार बढ़ते हुए रेट पर CILQ का अनुदान होगा। सैनिक परिवारों के कल्याण की दिशा में भी हमारे प्रयास निरंतर जारी हैं। रक्षा बलों की मृत्यु पर साधारण पेंशन के एनहांस रेट के लिए कम से कम 7 साल की सेवा के शर्त को हटाया गया है। बैटल कैजुअल्टीज के बच्चों के लिए शिक्षित और राष्ट्रीय युद्ध पर बैटल कैजुअल्टीज के NOK का सम्मान इस दिशा में उठाए गए कुछ कदम हैं। इसके अलावा शॉर्ट सर्विस कमीशन वुमेन ऑफिसर्स को सेना में स्थायी कमीशन का अनुदान दिया गया है। चुनी हुई वुमेन ऑफिसर्स को आर्मी एविएशन में हेलीकॉप्टर पायलट बनने के लिए इस साल जुलाई से प्रशिक्षण दिया जाएगा। CMP में प्रथम 100 महिला सैनिकों का बैच ट्रेनिंग कर रहा है और मई 2021 तक यूनिट जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। भारतीय सेना में बढ़ती महिला शक्ति को मान्यता देने के लिए आज एक स्पेशल फर्स्ट डे कवर भी रिलीज किया जा रहा है। भूतपूर्व सैनिकों को निरंतर सपोर्ट देने की दिशा में डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स ने पिछले वर्ष 18 लाख से अधिक वेटरन्स को रजिस्टर किया और लगभग 10,000 बेनिफिशियरीज को 21 करोड़ का लाभ पहुंचाया है। लगभग 5 करोड़ के पेंशन एरियर्स एक्स सर्विसमैन और NOK को दिए गए हैं। मई 2020 से बैटल कैजुअल्टीज के NOK को मिलने वाला एक्स ग्रेशा 2 लाख से बढ़कर 8 लाख कर दिया गया है। अब तक लगभग 1 लाख रिटायरीज और 12,000 डिपेंडेंट्स को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। इसके अलावा पूरे देश में लगभग 56 लाख पूर्वी सैनिकों और उनके परिवारों को क्वालिटी हेल्थ केयर ECHS द्वारा प्रदान किया जा रहा है। अंत में मैं ऑपरेशंस और युद्धाभ्यास में सहयोग के लिए भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना की सराहना करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। मुझे यकीन है कि आने वाले समय में तीनों सेनाएं संयुक्त रूप से ऑपरेशंस को अंजाम देकर युद्ध क्षेत्र में विजय हासिल करेंगे। देशवासियों के दिलों में सेना का एक विशेष स्थान है। सेना कर्तव्य, वीरता और निस्वार्थता का प्रतीक है। मुझे पूरा भरोसा है कि हम देश के इस विश्वास को कायम रखेंगे। सेना दिवस के इस अवसर पर भारतीय सेना एक बार फिर स्वयं को नाम और निशान के प्रति समर्पित करती है। जय हिंद। Tainet, chal gaya।
deine Wand. थलसेना अध्यक्ष के ऊर्जा से भरे विचार जो उन्होंने साझा किए आज के इस ऐतिहासिक जोश का संचार है, मन में उठते भाव हैं जो सेवा, बहादुरी और पराक्रम के नए नए शिखरों को छू लेना चाहते हैं। और अब गतिविधियां सलामी मंच के बाईं ओर, जहां से अब परेड सलामी मंच के सामने से गुजरेगी।